खरगोन जिला मुख्यालय पर शिव सैनिक विजय डंडीर की स्मृति में मुक्ति धाम पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रत्येक सप्ताह रविवार को साफ सफाई का भी आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम में सहभागिता की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जैसे ध्यान में आ रहा है कि पहले देश में हजारों वृक्षों के माध्यम से वायु भी प्रदूषित रहती थी और उसका लाभ भी जनता लेती थी, परंतु लंबे समय से जिस प्रकार से वृक्षों की कमी को महसूस किया गया और मेरी इस खरगोन लोकसभा में जिस प्रकार का तापमान इन 3-4 वर्षों में देखने को मिला, तो कहीं कहीं जल की कमी है और जल को संरक्षण करने का काम जो वृक्ष करते हैं उसकी कमी है। और बड़ा अच्छा अवसर है कि इस खरगोन शहर के कई सामाजिक संगठनों ने इस बात का बीड़ा उठाया है और सामाजिक कामों में वो आगे आए हैं। जिस प्रकार से कुंदा नदी की स्वच्छता को लेकर भी कई सामाजिक संगठन आगे आए, उसी प्रकार से वृक्ष को लगाना और वृक्ष को पालना और वृक्ष का संरक्षण करना, इन सभी कामों के लिए भी आज बड़गांव के पास भी वहाँ पर 600 से ज़्यादा वृक्ष खरगोन की सामाजिक संस्थाओं ने लगाए। और खरगोन का मुक्तिधाम जहाँ पर ये एक वो पड़ाव है जहाँ पर हर व्यक्ति को किसी भी माध्यम से आना पड़ता है, इस पड़ाव पर भी कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जाए कि यहाँ से मृत्यु के बाद भी जीव है और यहाँ पर नए वृक्ष के माध्यम से जीव का उत्पादन किया जा रहा है और इसलिए हरा भरा वृक्ष रहेगा, हरा भरा खरगोन रहेगा, हरा भरा लोकसभा रहेगा, तो लोगों का जीवन भी हरा भरा रहेगा और खुश में रहेगा। इसलिए ये अभियान शुरू हुआ है और ये मोदी जी का भी अभियान है कि जल का संरक्षण और वृक्षों का संरक्षण, ये दोनों अभियान उसके देश के प्रधानमंत्री जी के हैं। इसलिए सभी सामाजिक संगठन उस काम में लगा है। मैं इस माध्यम से सभी को शुभकामना देता हूं और उनको आगे भविष्य में भी इस प्रकार की वातावरण बनाने के लिए, हंसी खुशी के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, स्वच्छता बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सबका साथ सबका विश्वास, इस काम को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं।